हाँ तो भाई जय माता मरी सभी को, मरी माँ सदा सहाय। काफ़ी लोग पूछ रहे थे भैरव कंगन क्या कैसे सिद्ध करते हैं और क्या आप करके देते हैं गंगाराम भैरव कंगन। देखो भाई ऐसे सिद्ध करके देते हैं, कपूरों की ढेरियाँ लग जाती हैं यहाँ पर जब सिद्ध करते हैं। और ये ऐसे शराब की बीड़ी वगैरह तो मैंने अभी हटा दी, सिगरेट वगैरह, ऐसे ढेरियाँ लग जाती हैं। ये शूकर दंत जो सिद्ध अभिमंत्रित रहता है उससे ये ऐसे सिद्ध करके देते हैं। इसमें अष्टकम के जाप, पाठ के जाप, मंत्रों के जाप होते हैं, पूरे अष्ट भैरव के जाप होते हैं, गणेश जी के जाप होते हैं, माता दुर्गा, माता काली, बहुत सारी देवियों के, नगण्य भगवती के जाप होते हैं। ये शराब है ना, प्रतिदिन 3 बार लगती है उनको। इस कारण से काल भैरव जो कंगन होता है आपने देखा होगा, जो बना करके देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस लेते हैं उसका, क्योंकि उतना सामग्री लग जाती है। अब जैसे ये दीपक है, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो वो जब तक सिद्ध होता है कंगन, जब तक अखंडित जलता रहता है ना, खंडन नहीं होना चाहिए, ऐसे दीपक जलता रहता है ना। जैसे अभी ये कपूर का एक और पैकेट खाली, ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। जो भैरव कंगन होता है अष्टधातु का बना कर दिया जाता है, कई लोग भैंस के चमड़े का भी बना करके देते हैं, कई लोग राइनों का भी बना करके देते हैं। बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे तंत्र हैं, है ना। कई जड़ियों के माध्यम से भी इसको जगाया जाता है, जैसे जड़ी रखी है, नाम नहीं बताएंगे इसका, है ना, सारी चीज़ जड़ी रहती है। जो नाम बता भी देंगे तो भी कौन सा पता लगे, कूमी की जड़ी है ना, कूमी की जड़ी से अभिमंत्रित किया जाता है। अभी जब ये सब पूरे पाठ हो चुके हैं तब का ये वीडियो है, उसके बाद बाबा को भोग लगाया जाएगा ऐसे कम से कम 2 से 3, उसके बाद जा करके इस चीज़ में जान डल रही है। और जब ये जान डलती है तो जो लोग घुमाने वाला वीडियो बनाते हैं गोल गोल, वो मैं घुमाने वाला वीडियो भी बना करके दूंगा, ये भैरव कंगन कैसे गोल गोल घूमता है, इस तरीके से भैरव कंगन होता है, इस तरीके से सिद्ध अभिमंत्रित किया जाता है। माता बैठी हैं, फोकस करके दिखा देते हैं, है ना। ये है अपना छोटा सा मंदिर, छोटी सी कुटिया, खैर गांव वाला मंदिर तो दिखा नहीं पा रहे हैं, जो बन जाएगा तभी दिखाएंगे, और आप लोग की दया दृष्टि और साथ रहा तो ज़रूर बनेगा। बाकी ये मेरा वीडियो बनाने का माध्यम यही था, मैं दिखाऊं कि भैरव कंगन कैसे अभिमंत्रित किया जाता है। अब इसमें ऊर्जा पड़ेगी जब उनके मंत्रों के जाप होते जाएंगे 21-41 दिनों तक, इसमें बहुत ऊर्जा पड़ेगी और ये अभिमंत्रित हो जाएगा पूरे तरीके से, और जो उसे पहनता है तो भैरव जी के कंगन की तो बात ही निराली है। देखिए चिट चिट आवाज़ आ रही है, अगर आप लोग सुन पा रहे हो तो, सब उनसे ही होता है, सब बाबा की दया है, दृष्टि है, सब बाबा करते हैं। चलिए तो लाइव रखते हैं, जय माता मरी।